जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैलेस्ट स्लीपर रेल क्या होता है और इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब इस तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बैलेस्ट को देखते हैं। बैलेस्ट का सबसे मेन काम है क्या, ये ट्रैक बेड फॉर्म करता है। ओके, और ट्रैक बेड को फॉर्म करने के लिए फोर लेयर का हम यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर में सब स्वेल होता है, सेकेंड लेयर में सब ग्रेड होता है, थर्ड लेयर में सब बैलेस्ट होता है और फोर्थ लेयर में आपका बैलेस्ट होता है। ठीक है, और बैलेस्ट के ऊपर स्लीपर लगा है। ये स्लीपर है, ये क्या है, स्लीपर है, और ये रेल है। बैलेस्ट के ऊपर स्लीपर और स्लीपर के ऊपर रेल। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैक बेड फॉर्म होता है। बैलेस्ट क्रश स्टोन को बैलेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, क्रश स्टोन को हम बैलेस्ट के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसका शेप बहुत शार्प होता है। इसका शेप क्या होता है, बहुत शार्प होता है, और शार्प होने के कारण इसमें इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, ये इस शेप का अगर बैलेस्ट हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अगर हम बैलेस्ट को हम सर्कुलर शेप में यूज करें, सर्कुलर शेप का बैलेस्ट यूज करें, तो अगर इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम शार्प यूज कर रहे हैं तो अगर इस पर लोड पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, लोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक दूसरे के तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक बैलेंस दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, स्लीपर, ये आपका है स्लीपर, ये क्या है, सारा बैलेस्ट लगा हुआ है। स्लीपर के नीचे बैलेस्ट है और स्लीपर के चारों तरफ बैलेस्ट है। तो ये बैलेस्ट का शार्प होने के कारण इसमें इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छा होता है, और ये स्लीपर को अच्छे से पैक करके रखता है। मतलब इधर से पैक करके रखता है, इधर से पैक करके रखता है, ठीक है, इधर से पैक करके रखता है, इधर से चारों तरफ से पैक करके रखता है, इसको हिलने नहीं देता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे अगर लोड इस रेल के ऊपर पड़ेगा, जैसे ट्रेन जाएगा तो इस ट्रेन का लोड किस पर पड़ेगा, रेल के ऊपर पड़ेगा, तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये स्लीपर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और स्लीपर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर लोड ट्रेन का लोड इस पर पड़ा तो ये किसको दे दिया, स्लीपर को दे दिया, स्लीपर किसको दे दिया, बैलेस्ट को दे दिया। तो बैलेस्ट लोड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी मदद करता है। अब हम स्लीपर को समझते हैं। ये है आपका स्लीपर। स्लीपर क्या है, स्लीपर भी एक लोड डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट है। जैसे इस रेल के ऊपर ट्रेन का लोड पड़ा और ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्लीपर को, और स्लीपर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बैलेस्ट को। तो स्लीपर क्या कर रहा है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जो लोड रेल के थ्रू स्लीपर पे आया, लोड किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस को कर दिया। तो स्लीपर इज अ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट। ठीक है, और स्लीपर को हम लोग रेल रोड टाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेल रोड टाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो देखिए ये रेल है, ये इसको बांध के रखा हुआ है, यहाँ पर बांध के रखा हुआ है बाहर से और अंदर से भी बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग रेल रोड टाई कहते हैं। एक और चीज, ये जो स्लीपर है, ये रेल जो है, दो रेल है, इसको करेक्ट गेज पे रखता है। जैसे देखिए, गेज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। ये दो रेल है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। ये करेक्ट गेज पे रखता है। ये दो रेल के बीच के डिस्टेंस कितना होता है, 1676 mm। ठीक है, ये दो रेल के बीच का डिस्टेंस है 1676 mm। तो ये थ्रू आउट मेंटेन रहता है, यहाँ पर जहाँ पर भी मेजर कीजिएगा वो सेम ही डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो स्लीपर का क्या काम है कि रेल को करेक्ट गेज पे होल्ड करके रखना। ठीक है, अब इसको हम स्लीपर को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए, ये जो चार पिक्चर है उसमें पूरा स्लीपर का मैन्युफैक्चरिंग है, पिक्चर वन, पिक्चर टू, पिक्चर थ्री एंड पिक्चर फोर। तो सबसे पहले स्लीपर बनाने से पहले हम उसका मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड क्या होता है कि ये होलो कंटेनर होता है। देखिए, यहाँ पे फोर मोल्ड है, 1, 2, 3, 4, फोर मोल्ड है। ये क्या है, चारों होलो कंटेनर है, ये होल है पूरा, ये होलो कंटेनर है। ठीक है, अब सेकेंड पिक्चर में आते हैं। देखिए, इस होलो कंटेनर के अंदर हम क्या फिल करते हैं, कंक्रीट फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, कंक्रीट फिल करते हैं।
जब ये सूख जाता है तो थर्ड पिक्चर में आते हैं, जब ये सूख जाता है तो इस फॉर्म में कुछ हो जाता है, ठीक है। अब इसको अब हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए ये जो नट बोल्ट है इसको खोल देते हैं, नट बोल्ट को खोल देंगे, नट बोल्ट को खोल देंगे और जो ऊपर वाला पर्सन है इसको नीचे कर देंगे, मतलब इसको उलाट देंगे, उलाट देंगे तो ये हमारा जो स्लीपर है, ये स्लीपर है, ये जो चार स्लीपर है, ये चारों स्लीपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो निकलने के बाद इस तरह से दिखता है कुछ स्लीपर, मोल्ड के अंदर से, मोल्ड के अंदर से निकलने के बाद स्लीपर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये जो होल दिख रहा है इसको बाद में हम सीमेंट से पैक कर देते हैं, ये होल्ड जो नट बोल्ट का है ना वो उसका होल्ड है, होल है ये, ठीक है। तो ये हमारा जो पिक्चर फॉर्म है ये हमारा एग्जैक्ट स्लीपर है। इसके बाद ये टेस्टिंग के लिए जाता है और टेस्टिंग हो जाने के बाद ये हम इसको यूज कर सकते हैं। अब रेल को समझते हैं कि रेल क्या होता है और इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। रेल को बनाने के लिए हॉट रोल स्टील का यूज करते हैं, हॉट रोल्ड स्टील, हॉट रोल स्टील का हम यूज करते हैं। रेल बनाने के लिए मोस्टली थ्री स्टेप में रेल बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मिंग, दूसरा स्टेप है हेड हार्डनिंग, इसमें मोस्टली हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि इसका जो हेड है, अपर पोर्शन जो हेड है वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। और थर्ड स्टेप में रोलर के थ्रू ये जो रेल है, रोलर के थ्रू रेल को हम लोग स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं। ये रोलर है, ये रोलर है और रेल को इसके थ्रू पास कराते हैं, और जो भी टेढ़ा वगैरह होता है तो रोलर के बीच में पास होते वक्त वो सीधा हो जाता है। ये थ्री स्टेप है रेल को बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप फॉर्मिंग समझते हैं कि वो कैसे फॉर्मिंग करते हैं। देखिए ये जो स्टील का पीस है ये हॉट रोल्ड स्टील है, हॉट रोल्ड स्टील है, ओके। इसको हम लोग स्टील का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ना उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं, अबाउट 1700 डिग्री फॉरेनहाइट पे हम इसको गर्म करते हैं, यानी हीट करते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हीट होने के कारण इसके अंदर जो भी डिफेक्ट होता है ना वो डिफेक्ट क्या होता है, वो डिफेक्ट फ्री हो जाता है, मतलब जो भी डिफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण मेटल में खिंचाव, जो खिंचाव की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर छोटा सा मेटल है उसको हम लोग खींच के क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो गया तो ये छोटा सा मेटल बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और हमें बड़ा बड़ा रेल चाहिए ना, तो इसलिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए 1700 डिग्री फारेनहाइट पे हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है। और ये कंपोजिशन है हॉट रोल स्टील के अंदर 0.7% टू 0.8% कार्बन होता है और 0.7% टू 1% मैंगनीज होता है, ठीक है। अब हमने हॉट रोल स्टील को अच्छे से हॉट कर लिया है, ठीक है। अब सेकंड पिक्चर में जाते हैं, ये पिक्चर वन है, ये सेकंड पिक्चर। अब इसको स्टील को हम लोग डाई के थ्रू पास कराते हैं, ये डाई है, ये क्या है, डाई, दो डाई लगा रहते हैं एक ऊपर नीचे, ये आप थर्ड पिक्चर में अच्छे से समझेंगे। ये एक डाई है, ये एक डाई है, ठीक है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, हॉट रोल स्टील को हम लोग पास कराएंगे। ये डाई का भी एक शेप होता है, जिस तरह का अपना रेल है ना, रेल, ये मतलब ये रेल है, इसी तरह का डाई होता है, ठीक है। ओके, जब ये डाई के थ्रू हॉट रोल स्टील पास करेगा तो रेल का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब आपका रेल फॉर्म हो गया, मतलब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, रेल का फॉर्मेशन हो गया। अब रेल फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, उस रेल के ऊपर हम लोग कोल्ड वाटर का स्प्रे करेंगे, ठीक है। कोल्ड वाटर का क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, ताकि उसका जो हेड है काफ़ी हार्ड हो जाए, मतलब ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। क्या है, हेड हार्डनिंग क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। कोल्ड वाटर जब डालेंगे तो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका हेड है ना, ये जो हेड है ये काफ़ी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, कैसे, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप हम देखते हैं फोर्थ पिक्चर में। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में रोलर के थ्रू, ये रोलर है,
1, 2, 3 रोलर है इस पिक्चर में। रोलर बहुत सारे होते हैं लेकिन इस पिक्चर में 3 रोलर है। इसके बीच में क्या करते हैं हम रेल को पास कराते हैं, क्या करते हैं जो हेड हार्डनिंग के बाद रेल को पास कराते हैं ताकि उसमें ज़रा से भी कुछ टेढ़ा वगैरह हो तो क्या हो जाए, सीधा हो जाए। देखिए ये रोलर है, ये आपका क्या हो गया, अब ये रोलर हो गया, ये रोलर है ठीक है, ये आपका रेल है ओके। तो ये रोलर का एक रोलर इस तरफ मूव करेगा तो एक रोलर इस तरफ मूव करेगा, एक रोलर इस तरफ मूव करेगा तो एक रोलर इस तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से मूव करता है तो ये जो आपका रेल है ना वो आगे फॉरवर्ड होते जाता है, मतलब आगे बढ़ते जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और क्या होगा, वो जो अगर टेढ़ा वगैरह होगा तो सीधा हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से पूरा रेल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको जब स्ट्रेट हो जाएगा रोलर के थ्रू तो उसको हम लोग टेस्ट करके उसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने अब रेल को भी समझ लिया। तो आई होप कि आपको बैलेस्ट क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, रेल क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।